नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मेतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। इस बीच कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य में हिंसा कानून व्यवस्था का मामला है। कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने वाली याचिका पर हम 3 जुलाई को सुनवाई करेंगे। यह याचिका मणिपुर ट्राइबल फोरम ने लगाई है। उधर केंद्र का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। राज्य में 49 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग शेल्टर होम में रह रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहत कैंपों का दौरा किया। वे बिरहारी कॉलेज, खुदा कंपम और हिंगांग में पहुंचे। इस दौरान बीरेन सिंह ने कहा, हिंसा रोके वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं हथियार से लैस मेतेई लोगों से भी अपील करता हूं कि वे किसी पर हमला ना करें और शांति बनाए रखें ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकें। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।